हेलो दोस्तों, जे एम मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रही है सैमसंग J7 Prime, इसमें प्रॉब्लम है कि ये चार्ज कनेक्ट करने से वाटर लेवल वाला वो प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहेगा, उसके बाद जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसमें दो कंडीशन है बनाने का, ठीक है। एक में होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी इस वीडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें तो आप नॉर्मली इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े हुए रहे, तब जाके आपको ये ट्रिक समझ में आएगा कैसे इसका सोल्यूशन करना है। तो नॉर्मली फ़ोन को पहले हम खोल लेते हैं। जैसे ये फोन खुल गया, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू पे इसको भी हम खोल लेते हैं। और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद ये मदरबोर्ड में आना है। यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जरा सा वाटर डैमेज लग रहा है, क्योंकि ये वाटर जाने से ही इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो पहले इसको ब्रश से हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर से ही प्रॉब्लम आता है। पानी जाने से ये इस तरह का चार्जिंग इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको सबसे पहले हम साफ करके हम चेक कर लेंगे। और पिन पिन लेकिन लग रहा है कि ये खराब हो चुका है सड़ने के वजह से, तो इसको हम पहले रिप्लेस कर लेते हैं। बगल में इसका माइक है तो सही तरीका देखें कैसे, यानी इसको चेंज करना है, जो कि यानी माइक प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रहे कि माइक का जो छेद है उसमें पेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है कि ये माइक डैमेज हो जाता है। हल्का पेस्ट दे ले, उसके बाद इसको ब्लोअर के माध्यम से इसको निकाल ले। जैसे जैक निकलता है उसके बाद यहाँ पे हल्का प्रेस कर ले, पहले अच्छे से पेस्ट देके साफ कर ले। हल्का स्क्रैच करके यहाँ पे साफ कर ले। और देखिए जैक चेंज करने के बावजूद भी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर कहाँ से इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है वो भी इस वीडियो में लास्ट में हम दिखाए हैं। तो पहले हम जैक को पहले हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा फ़ोन में क्या होता है कि जैक चेंज करने से ये प्रॉब्लम सही हो जाता है। जैक जैसे देख सकते हैं ये बैठ चुका है। उसके बाद अच्छे से इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, हल्का स्क्रैच करके इसको इसमें फिर रंगा चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो हम स्क्रैच कर दिए, उसके बाद इसको ब्रश मार के इसको साफ कर लें। उसके बाद हम बोर्ड में लगा के हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, और नहीं हुआ है तो फिर क्या करना वो भी इस वीडियो में हम बताएं आपको। अब देखें पूरा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब क्या करना है वो इस वीडियो में देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कहाँ से हम प्रॉब्लम को सही करते हैं, ठीक है। ये जैक लगाने के बावजूद भी नहीं लिया, ठीक है, तो अब क्या करना है इस वीडियो में वो देखिए, आपका प्रॉब्लम 100% आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड को सबसे पहले पलटी करना है,
उसके बाद आप ध्यान दें, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में, फेक वीडियो में जंपरिंग करके दिखाया, तो वैसा कुछ नहीं, वो सिर्फ फेक वीडियो है। तो इसमें नॉर्मली देखिए माइक के बगल में कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है, माइक के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपोनेंट है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ये कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव करना है, या ब्लोअर के माध्यम से आप हटाएं या तो फिर आयरन से ही हटा दें, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट जरा दे लेते हैं, इसको जो है यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव कर लिए, उसके बाद जैसे आप रिमूव करते हैं उसके बाद फिर इसको बोर्ड में हम डाल के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव यहाँ से कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल को पूरा फिट करते हैं, उसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको चेक करके, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब लगाते हैं चार्ज, चार्ज लगा के हम चेक करके हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे देख सकते हैं ये चार्ज कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये चार्जिंग ओके हो गया। तो आपको भी सेम इसी तरह काम करना है, और मेरे चैनल पे आप नए तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।